मैं आपका भाई फिरदौस मिर्ज़ा एडवोकेट ना, पूरी इंसानियत, हमारा प्यारा मुल्क, और उस प्यारे मुल्क में भी ख़ास तौर से मुसलमान, या आज बहुत बुरे दौर से जा रहे हैं, कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहे हैं। आज टीवी आप शुरू कीजिए, पेपर पढ़िए, तो उससे पता चलता है कि एक तिहाई कोरोना पॉजिटिव ये मुसलमान है, यानी हर तीसरा पॉजिटिव मुसलमान है। इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि मुसलमान अछूत जैसे होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हमारे भाई बहनों को हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं हो रहा है, उनसे सब्जी नहीं खरीदी जा रही है, उनसे सौदा नहीं ले रहे हैं लोग। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है, हम इन सवालात में आज नहीं जाए। इन चीजों को दुरुस्त कैसा किया जाए, ये आज का हमारा टॉपिक है। आज महाराष्ट्र होम मिनिस्टर का एक बयान आया है कि उनके पास जो दिल्ली मरकज से आने वालों के रिपोर्ट्स है, उसमें से 55-56 लोग कहाँ हैं ये पता नहीं चल रहा, उनके मोबाइल वो स्विच ऑफ करके बैठे हैं। देखिए, ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आपने किसी एक की जान ली तो पूरे इंसानियत की जान ली, और अगर आपकी वजह से एक जान बची, आपने एक जान बचाई तो पूरी इंसानियत को बचाए। अपने आप को छुपाकर आप कौम में ही तो कोरोना वायरस फैला रहे, तो अगर आपकी गलती से किसी की जान गई तो पूरी इंसानियत की आपने जान ली। इसलिए जान बचाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को अथॉरिटीज के सामने पेश कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए, और अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने मोहल्ले को, अपने भाई बहनों को इस महामारी से बचाइए। दूसरा, एक गलत फहमी फैली हुई है कि हर सर्वे ये NRC या NPR के लिए है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि NPR का सर्वे आगे बढ़ा दिया गया है। आज जो सर्वे हो रहे हैं वो सिर्फ आपकी सेहत अच्छी है ये जानने के लिए हो रही है। इस सर्वे में आप कॉपरेट कीजिए, इस सर्वे में पूरी मालूमात दीजिए, ताकि आप, आपका परिवार, आपका घर, आपका मोहल्ला सेफ रहे, सुरक्षित रहे, महफूज रहे। तीसरी बात, हर अच्छे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, लोगों में अनाज बांटिए, खाना बांटिए, और ये लोगों को पता चले कि आप ये काम कर रहे हैं। एक बात जहन नशीन कर लीजिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अल्लाह की मानिए, उसके नबी की मानिए, और जिनको इख्तदार हासिल है उनकी मानिए। हम पर उलमाए कराम, मुफ्ती कराम, इनको इख्तदार हासिल है, वो बार बार याद दिला रहे हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से अगर रोकना है तो आपने मस्जिद नहीं आना है, घर से नमाज पढ़ना है। घर से नमाज पढ़ने का मतलब ये है कि आप अकेले नमाज पढ़िए, लोगों से डिस्टेंस रखिए। उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप किसी के छत पर, किसी के घर में इकट्ठा होकर बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं, साथ साथ आठ आठ लोग जमा हो रहे हैं। ऐसा करके हम उनकी बात को नहीं मान रहे, उनकी बात को तोड़ रहे हैं, और अपने आप को इस सबसे बड़े कोरोना के धोखे में ला रहे हैं। इस महामारी से बचना है तो इनकी बात मानिए, सरकार की बात मानिए, मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात मानिए, और अपनी कौम की जो बदनामी हो रही है उससे रोकिए। अल्लाह हाफिज़।